नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अच्छे व्यवहार का रहस्य। हम साधारण मनुष्य अक्सर किसी से नाराज़ हो जाते हैं या किसी को भला बुरा कह देते हैं, पर संतों का स्वभाव इससे विपरीत हमेशा सौम्य और मधुर बना रहता है। संत तुकाराम का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। वे ना कभी किसी पर क्रोध करते थे और ना ही किसी को भला बुरा कहते थे। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर संत तुकाराम के इस अच्छे व्यवहार का रहस्य क्या था। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे थे, तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव में थोड़ा क्रोधी था वह समक्ष आया और बोला, गुरुजी आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं, ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी को भला बुरा कहते हैं, कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह क्या है गुरुजी, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तो अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो, संत तुकाराम दुखी होकर बोले। कोई और कहता तो शिष्य इस बात को मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे टाल सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहाँ से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध न करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिनसे उसने कभी गलत व्यवहार किया हो और उनसे माफ़ी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को एक हफ्ता पूरे होने को आया। शिष्य ने सोचा कि एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते, क्या तुम पहले की तरह लोगों पर नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे। संत तुकाराम ने प्रश्न किया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था। मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारे अच्छे व्यवहार का रहस्य। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। उसने मन ही मन इस पाठ को याद रखने का प्रण किया और गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गया। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।